दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए वीडियो के अपलोड होने की तुरंत सूचना पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये फ्री ज्ञान दुनिया के कोने कोने तक फैले और सभी इसका लाभ उठाकर जीवन में आगे बढ़ सकें। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में एक बार फिर ज़ोरदार स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है। आज के वीडियो में मैंने कुछ उन सेंटेंसेस को शामिल किया है जो आपके एंगर यानी कि गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं। वह एंगर चाहे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर हो, या फिर आपकी एरोगेंस को दिखाता हो, या फिर आपके अंदर मैं यानी आई की फीलिंग को दर्शाता हो। हम अपनी डेली लाइफ में कई बार अपने गुस्से को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। अब आप इसे इंग्लिश में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सारे वाक्य आप हिंदी में रोज़ बोलते हैं, इनकी इंग्लिश आसान रखी गई है ताकि आपको बोलने में कोई भी दिक्कत ना हो। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का पहला वाक्य है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू, आई विल किल यू। बहुत ही कॉमन सेंटेंस जो हम अक्सर बोलते हैं, बावजूद इसके कि हमारी इंटेंशन कभी भी ऐसी नहीं होती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू। मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी, डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी। थ्रेटन थ्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धमकी देना। यहाँ मत चिल्लाओ, डोंट शाउट हियर, डोंट शाउट हियर। तुम अब जा सकते हो, यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट अनॉय मी, डोंट अनॉय मी। तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, यू आर नो बडी फॉर मी, यू आर नो बडी फॉर मी। किसी को छोटा या अनइम्पॉर्टेंट बताने के लिए हम अक्सर ऐसा कहते हैं। मेरी मर्जी सबसे ऊपर है, माई विल इज़ सुप्रीम, माई विल इज़ सुप्रीम। यानी मैं किसी की नहीं सुनूंगा। विल का अर्थ मर्जी भी होता है, सुप्रीम यानी सबसे ऊपर या बढ़कर। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यानी हमारे मामलों में मत पड़ो और दूर रहो। मेरा समय मत खराब करो, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं तुम्हारी तबीयत से पिटाई करूँगा, आई विल बीट यू अप, आई विल बीट यू अप। बीट अप का अर्थ होता है जमकर पिटाई करना। अपनी ज़ुबान संभालो, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। मेरे साथ बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट आर्ग्यू विद मी। तुम्हारी आवाज़ मुझे गुस्सा दिलाती है, योर वॉइस अनॉयज मी, योर वॉइस अनॉयज मी। दूसरे शब्दों में आप चुप रहो, मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। यहाँ कभी मत आना, नेवर कम हियर, नेवर कम हियर। मुझे पता है मैं कौन हूँ, आई नो हु आई एम, आई नो हु आई एम। आर्ग्यूमेंट के समय हम अक्सर ऐसा कहकर अपने आप को सही ठहराते हैं। मुझे मेरे लिए स्पेस चाहिए, आई नीड स्पेस फॉर माई सेल्फ, आई नीड स्पेस फॉर माई सेल्फ। यानी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो ताकि मैं इशू को समझ सकूं और सही कदम ले सकूं। मेरे साथ पंगा मत लो, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। मेरे सब्र की परीक्षा मत लो, डोंट टेस्ट माई पेशेंस, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। पेशेंस यानी सब्र या धैर्य। हद हो गई, एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। यानी बातें बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मैड। गुस्से में तिलमिलाते हुए हम अक्सर दूसरों से आर यू मैड कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। वैसे तुम हो कौन, बाय द वे हु आर यू,
बाय द वे हु आर यू, दूसरों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए इस वाक्य का सहारा लें। अपनी हद पार मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अपना गंदा चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाओ, डोंट शो मी अगेन योर अगली फेस, डोंट शो मी अगेन योर अगली फेस। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, आई विल स्मैश योर फेस, आई विल स्मैश योर फेस। ऐसा कभी ना करें, केवल इंग्लिश बोलकर काम चलाएं। क्या तुम चुप नहीं हो सकते हो, कांट यू कीप योर माउथ शट, कांट यू कीप योर माउथ शट। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, विल यू नॉट लिसन टू मी, विल यू नॉट लिसन टू मी। गुस्से में हम अक्सर अपनी साइड को सही ठहराते हैं और चाहते हैं कि हमारी बात पहले सुनी जाए। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, आई वोंट लिसन टू यू, आई वोंट लिसन टू यू। वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आपकी मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, योर प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, योर प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सरल भाषा में आप यहाँ अनवांटेड हैं। प्रेजेंस यानी मौजूदगी। क्या ये तुम्हारे बाप की है, डज इट बिलोंग टू योर डैड, डज इट बिलोंग टू योर डैड। हिंदी में आपने इसे हजारों बार बोला होगा, अब इसे इंग्लिश में भी आजमाएं। तुम मेरे लिए हो ही नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। यानी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। ताव में हम अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ यू। तुम इसे क्यों नहीं समझ सकते हो, वाई कांट यू अंडरस्टैंड दिस, वाई कांट यू अंडरस्टैंड दिस। यानी तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेल यू, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेल यू। कई बार समझाने में असफल होने पर हम अक्सर माथा पीटते हुए ऐसा कहते हैं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हाउ शुड आई एक्सप्लेन टू यू, हाउ शुड आई एक्सप्लेन टू यू। यानी मैं क्या करूं कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो। अपनी राय अपने पास रखो, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। यानी अपनी शिक्षा अपने पास रखो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, डोंट इरीटेट मी एनी फर्दर, डोंट इरीटेट मी एनी फर्दर। मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू टॉक टू मी, डोंट ट्राई टू टॉक टू मी। नाराज़गी में हम इस सेंटेंस का सहारा ले सकते हैं। मेरे निजी मामलों में टांग मत अड़ाओ, डोंट इंटरफियर इन माई प्राइवेट अफेयर्स, डोंट इंटरफियर इन माई प्राइवेट अफेयर्स। इंटरफियर यानी टांग अड़ाना, प्राइवेट अफेयर्स यानी निजी मामले। मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत मत करो, डोंट डेयर टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, डोंट डेयर टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। डोरबेल दोबारा मत बजाओ, डोंट प्रेस द डोरबेल अगेन, डोंट प्रेस द डोरबेल अगेन। अगली बार सेल्समैन और चंदा मांगने वालों से डोंट प्रेस द डोरबेल अगेन ज़रूर कहें। मैं अपनी मर्जी की करूँगा, आई विल हैव माई ओन वे, आई विल हैव माई ओन वे। याद रहे, टोन नाराज़गी वाली होनी चाहिए। यह मेरी तुम्हें अंतिम चेतावनी है, इट्स माई लास्ट वार्निंग टू यू, इट्स माई लास्ट वार्निंग टू यू। वार्निंग यानी चेतावनी। मैं तुम्हें सचमुच जोर से थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्लैप यू रियली हार्ड, आई विल स्लैप यू रियली हार्ड। स्लैप यानी थप्पड़। स्लैप वर्ब भी है और नाउन भी। वैसे तुम्हारी किसको ज़रूरत है, हु वॉन्ट्स यू बाय द वे, हु वॉन्ट्स यू बाय द वे। किसी को इंसल्ट करने का एक बहुत अच्छा वाक्य।
प्यारे साथियों, आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इन सेंटेंसेस को केवल इंग्लिश झाड़ने के लिए यूज़ करें और कभी भी वॉयलेंस का सहारा ना लें। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, बट बिफोर आई साइन ऑफ लेट मी विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, एस्पेशली योर इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।